जानते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कब आने वाली है किस इंटेंसिटी से आने वाली है कितने केसेस तक जा सकते हैं अगर पीक देखा जाए उस थर्ड वेव का ये बताना तो बहुत मुश्किल है लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक कैलकुलेशन कराया एक प्रोजेक्शन कराया जिससे अब हमें पता चल सकता है कि कब ये तीसरी लहर आएगी और कितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगी देखिये शॉर्ट शॉर्ट कहना अभी भी बहुत मुश्किल है इस कैलकुलेशन के बाद भी लेकिन कई सारे एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं इनफैक्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अपने अपने एजम्शन और एस्टिमेट लगा रहे हैं लेकिन आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एक मॉडल जिसका नाम है सूत्रा मॉडल हम क्यों इस पर एम्फोसिस कर रहे हैं क्योंकि इस मॉडल में पहली लहर और दूसरी लहर के बारे में जितने भी प्रडिक्शन करे थे वो सब सच हुए हैं उन्होंने जो प्रोडिक्शंस लिए थे जो भी उनके कैलकुलेशन थे वो सब अभी तक प्रूव होते हुए आए हैं तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनका जो थर्ड मॉडल है जो थर्ड वेव के बारे में जो प्रोजेक्शन है वो हमें क्या बता रहा है तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्शन करे जाते हैं ये आखिर फॉर्मूला क्या है थर्ड वेव प्रिडिक्ट करने का सबसे पहले इनके चार फैक्टर्स हैं जिस पर ये थर्ड वेव जो है प्रिडिक्ट करी जा रही है सबसे पहला है आर फैक्टर जिसे हम आपको बताते रहे हैं रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द वायरस कि वो किस इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी वेव या फिर जो लहर है वो कैसे आएगी कब आएगी वैक्सीनेशन के नंबर्स री की पॉसिबिलिटी और नए कोई वेरिएंट अगर आ जाते हैं इन सारी चीज़ों पर चार चीज़ों पर बेस करके ये बनाया गया है इन चारी सारी जो चीज़ें हमने बताई हैं चारों जो चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंट्रोल में है वो है वैक्सीनेशन उसके बारे में बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए अगर जो भारत सरकार ने बनाया है अपना गोल कि साल के एंड तक सारे एडल्ट को हो जाना चाहिए उस गोल को रीच करने के लिए हमें हर रोज 8.6 मिलियन लोगों को टीका लगाना है क्या वो हो रहा है अभी अगर आप पिछले सात दिनों का एवरेज देखें तो करीबन फोर मिलियन के आसपास आ रहा है मतलब आधे से भी कम है अभी इस समय तो अभी हमारे पास काफ़ी शॉर्टफॉल है वैक्सीन्स का और अगर हम थर्ड वेव अवॉइड करना चाहते हैं तो ये शॉर्टफॉल मीट करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा ये शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा अगर आप कैल्कुलेशन समझिए तो उतने कम दिनों में उतना ज़्यादा वैक्सीन्स को बूस्ट करना है तो ये बहुत बड़ा इस समय एक रीज़न है जिसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है इसके अलावा वैक्सीन्स पर अगर लोगों को अभी भी लगता है कि क्यों इतना डिपेंडेंस हो रहा है तो आप ये सेट ऑफ ग्राफिक्स देखिए सीधा सीधा कोरिलेशन लगाया गया है इस मॉडल में कि वैक्सीन और वेव में वैक्सीन और ह्यूमन लाइफ में क्या रिलेशन है पहला अगर कम वैक्सीन लगती हैं तो ज्यादा केस लोड होएगा अगर कम वैक्सीन लगती हैं तो ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचेंगे अगर कम वैक्सीन लगती हैं तो ज्यादा लोगों की मौत भी होगी इनफैक्ट ये जो सूत्रा मॉडल है इसमें इन्होंने कहा एक एस्टिमेट लिया जितनी भी वैक्सीन है उन सबकी एफिकसी का और इनके हिसाब से री इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं जो हमने आपको एक और बताया था फैक्टर है चार चीजों पे डिपेंड करता है री इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके करीबन 25 से 30 परसेंट तक कम हो जाते हैं अगर आपने सिंगल डोज ली है और यही चांसेस 50 परसेंट से 60 परसेंट तक कम हो जाते हैं अगर आपने दोनों डोजेज ले लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब ये भी आपको मैं फिर से याद दिला दू वैक्सीन का काम ये नहीं है कि वो आपको इन्फेक्शन से बचाए वैक्सीन का काम है वो आपको डेथ से बचाए हॉस्पिटलाइजेशन से बचाए तो ये अभी तक जो देखा गया है दूसरी कंट्रीज में भी कि ये काम चल रहा है जैसे अगर आप यूके का एग्जाम्पल लें तो वहां पर अभी जो चौथी लहर की बात हो रही है वहाँ पर केस लोड बढ़ गया है लेकिन लोगों की मौतें कम हो रही है क्यों क्योंकि वैक्सीनेशन एक डिग्री तक पहुँच गया है अब ये जो आप ग्राफिक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको दिखाता है कि ये जो सूत्रा मॉडल था इन्होंने फर्स्ट वेव का जो प्रोडिक्शन किया था वो बिल्कुल एकदम उसी पर बैठ रहा है अगर आप देखिए उसमें दो लाइन हैं एक येलो लाइन है और एक ब्लू लाइन है तो येलो लाइन है ये इस मॉडल का प्रोजेक्शन था कि इस लाइन से ये जाएगा और वो ब्लू लाइन जो एक्चुअल डेटा जब आया तो एग्जैक्टली उसी पर लगभग फॉल कराए अगर आप सेकेंड वेव देखें जो किसी ने भी प्रोडिक्ट नहीं करी थी एक तरह से उस पर भी ऑलमोस्ट वही नंबर आप देख रहे हैं कि जो प्रडिक्शन था उसी पर सेकेंड वेव भी आई तो आप क्लाइमैक्स पर चलते हैं और थर्ड वेव का ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि थर्ड वेव पर क्या प्रिडिक्शन है सूत्रा मॉडल का इस वेव पर अगर आप देखें तो ब्लू लाइन वहीं तक रुक गई है क्योंकि वहां तक का डेटा हमारे पास है लेकिन उसके बाद जो है आप देखेंगे तीन लाइनें आ रही हैं क्योंकि सूत्रा मॉडल ने यह बोला है कि उन्होंने पूरे मॉडल को तीन पॉसिबिलिटीज में देखा है या तीन सिनारियो जिसे बोलते हैं उसमें देखा है एक है कि बहुत ऑप्टोमिस्टिक सिनारियो अगर सब अच्छा चलता रहा तो क्या होगा दूसरा है अगर बीच का चलता रहा तो क्या होगा और एक अगर सब एक तरह से जितने नंबर्स हैं हम उसको एकदम पेसिमिस्टिक निगाह से देखने लगे अगर हम सबको एकदम ओवर इवेल्युएट कर लें तो तब क्या होगा वो तीनों चीजें आपको दिखा रहा है और इस मॉडल के हिसाब से डेट बताते हैं आपको कब बोल रहे हैं कि ये थर्ड वेव आएगी इस मॉडल के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर के बीच में थर्ड वेव भारत में हिट होगी अक्टूबर नवंबर के बीच में मतलब रफली आप समझ लीजिए दिवाली के टाइम पर ये थर्ड वेव आने की बात हो रही है आपने उस ग्राफिक में देखा होगा कि कैसे वो जो सेकेंड वेव का जो चार्ट था वो टॉप आधा था अब देखिए वो आधा है सेकेंड वेव के टॉप से और ये आपको बताता है कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो अगर चार लाख था सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट एवरी डे जो निकल रहे थे केसेस uh, वो अब आधा होने की संभावना है ये उनका कैलकुलेशन है लेकिन तीनों पॉसिबिलिटीज जो उन्होंने बताई हैं उसके बारे में बात करते हैं अगर सब अच्छा चलता रहा मतलब लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रही और कोई नया म्यूटेंट नहीं आता है वैक्सीनेशन नंबर्स ऐसे ही पिकअप करते रहते हैं और अनलॉक वैसे चल रहा है देश में वैसे ही चलता रहता है हॉटस्पॉट्स को छोड़कर तो जो डेली केसेस की इंटेंसिटी है वो करीब 50,000 से 1 लाख तक की रहेगी मतलब सब अगर अच्छा चलता रहा तो उस सिनारियों में कोई नया म्यूटेंट नहीं आया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है तो वो 50,000 से 1 लाख तक के केसेस हम डेली देख सकते हैं पीक ऑफ थर्ड वेव में जो सेकंड सिनारियो है कि अगर वैक्सीन्स 20 परसेंट लेस इफेक्टिव होती हैं क्योंकि अगर नया डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस जिसके हम ऑलरेडी बात करें अगर ऐसा कोई वेरिएंट रहता है और वैक्सीन 20% परसेंट लेस इफेक्टिव हैं, तो भी वो कह रहे हैं करीब 50,000 से 1 लाख ,00 तक के ही केसेस बढ़ेंगे लेकिन अगर आप इसमें मान लेते हैं कि एक नया इंफेक्शस म्यूटेंट आ गया है जो आप अगर बात बात में आप सोचें सेकेंड वेव में जो हुआ था कि एक नया म्यूटेंट आ गया था और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था लोगों का और अनलॉक भी हमने करना शुरू कर दिया था ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमने देखा था कि कैसे सेकेंड वेव आई थी अगर वैसा कुछ सिनारे हो जाता है तब भी ये जो मॉडल है वो आपको कह रहा है कि जो राइज होगा वो केसेस का केवल दो लाख तक ही जाएगा ऐसा क्यों है ये जानकारी हम लेते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये सारे प्रोडिक्शंस करे हैं हमारे पैरल की तरफ चलते हैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हैं आई कानपुर से हमारी ज्वाइन कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी तदार हैं ये हमें ज्वाइन कर रही हैं शी इज अ डिफेंस स्टाफ एंड डेप्टी चीफ मेडिकल इंटीग्रेटेड एंड इन लोगों ने और एक और प्रोफेसर हैं उन्होंने मिलकर ये पूरी स्टडी करी है पहले प्रोफेसर अग्रवाल की तरफ चलते हैं प्रोफेसर अग्रवाल आपने वर्स्ट केस सिनारियो में भी बोला है दो लाख से ऊपर केसेस नहीं जाएंगे ऐसा आपका एस्टिमेशन क्यों है उसका मुख्य कारण ये दो हैं एक तो वैक्सीनेशन देश में चल रहा है और हम लोग का अंदाज है जिस तरह से प्रोजेक्शन हैं कि अगस्त तक करीब नहीं तो साठ करोड़ वैक्सीन के शॉट्स लग चुके होंगे तो काफ़ी हद तक लोगों को क्योंकि एडल्ट पॉपुलेशन में ही लग रहे हैं एडल्ट पॉपुलेशन नब्बे करोड़ के आसपास है तो काफ़ी लोगों को वैक्सीन शॉट लग चुके होंगे और दूसरा आ, सेकेंड वेव के जाने के बाद बहुत सारे लोगों में संक्रमण हुआ और वो ठीक हो गए तो उनमें एक नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है तो इन दोनों कारणों की वजह से तीसरी वेव यदि आती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा काफी सुन के खुश होने वाले एक ऑफ रिलीफ जिसे बोलते हैं वो लेने वाले हैं लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये भले ही सेकेंड वेव से आधा हो आपका कि करीब दो लाख तक ही केसेस जाएंगे फर्स्ट वेव से अभी भी ये काफी ज्यादा है तो मैं आ, इन लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी के पास जाना चाहती हूँ तो मैम इससे सबसे बड़ा पॉइंट है कि वैक्सीनेशन चलता रहा आपने कह दिया म्यूटेशन आपने नए अपने उसमें क्रीडेंशल्स में, में लिए हैं कि किस बेसिस पर ये चलेगा लेकिन री क्योंकि अगर आप बात करें साल के एंड तक वो लोग जिनको सबसे पहले वैक्सीनेशन लगा था जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी इम्यूनिटी आपको लगता है यहाँ पर लास्ट करेगी और क्या वो लोग एक तरह से एक्सपोज्ड uh, हैं इस थर्ड वेव के लिए आने वाली किसी और वेव के लिए uh, आपने बहुत सही uh, प्रश्न पूछा क्योंकि ये वैक्सीन के साथ हम देख रहे हैं कि uh, और इन्फेक्शन के साथ दोनों के साथ एंटीबॉडी लेवल जरूर कम हो रही है लेकिन uh, कितनी रेट से कम हो रही है और इनकी रीइंफेक्शन री रेट क्या होगी इस पे काफी रिसर्च चल रहा है और अभी आ, सारे देश इसमें देख रहे हैं कि क्या बूस्टर डोज देने की जरूरत है अगर एंटीबॉडीज कुछ लेवल से नीचे अगर गई तो फिर एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा लेकिन हमें ये भी देखना है कि आ, जैसे काफी हेल्थ केयर वर्कर्स है जिनको एक्सपोजर हो गया होगा एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो भी एक तरीके से बूस्टर डोज की तरफ होता है और इसलिए उनकी एंटीबॉडी लेवल्स ठीक रहेंगी और ये जो मॉडल तैयार हुआ है प्रोफेसर विद्यासागर भी हमारे साथ है और उन्होंने और डॉक्टर प्र, प्रोफेसर महिंद्रा अग्रवाल ने जो मॉडल ये तैयार किया है उसमें अगर आप देख रहे हो तो ये एक अजाम्शन लेके चलती है कि इतने लोगों को एंटीबॉडीज मिल चुकी हैं तो इसलिए अभी हम इसको दोबारा कैलिब्रेट भी करना चाहेंगे और कॉन्फिडेंस और के साथ बोल पाएंगे जब एक सीरो सर्वे के रिजल्ट्स आ जाएंगे और हमें पता चलेगा कि वाकई में देश में कितने लोगों को एंटीबॉडीज है इसके साथ साथ हम ये भी जानने में उत्सुक है कि बच्चों में भी क्या एंटीबॉडीज बनी हुई है जैसे कि अभी दिल्ली में एक सीरो सर्वे हुआ एम्स ने किया है और उसमें भी देखा कि तकरीबन 50 प्रतिशत बच्चों में भी एंटीबॉडीज ही है क्योंकि और ये साज, साज है क्योंकि अगर घर में सबको कोविड हुआ है तो शायद बच्चे को भी एसिम्टोमेटिक और बच्चों में 95% परसेंट जो है एसिम्टोमेटिक रहते हैं और एंटीबॉडी शायद बनी हुई है तो ये सब जानकारी और हमारे पास जैसे डेटा मिल जाएगा तो हम और हक के साथ और और कॉन्फिडेंस के साथ इस मॉडल को हम बता सकते हैं कि भाई हम वाकई में कॉन्फिडेंट है कि ये इसी तरीके से चलेगा तो आप अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे और डेटा निकल कर आएगा सीरो पॉजिटिविटी का जिससे हमें समझ में आए कि कितने लोगों के पास एंटीबॉडीज है मतलब कितने लोगों के पास प्रोटेक्शन है एक तरह से इस इसमें बारे में और बात करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जब हम वापस आएंगे तो मैं जानना चाहती हूँ प्रोफेसर अग्रवाल से कि अभी तक तो हमने बात करी वेव की कि पूरे देश में ऐसा जाएगा लेकिन अभी जो हम सिनारियो देख रहे हैं देश में वो ये है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेव्स आ रही हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वेव थ्री क्या एक पूरे भारतवर्ष में एक साथ आने वाली है कि हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखेंगे आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं और आज हम आपके पास लेकर आए कि ऐसा मॉडल जिसने प्रडिक्शंस करे हैं कि आने वाली जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की कोविड नाइन्टीन की वो कब आएगी कितनी इंटेंसिटी से आएगी तो प्रोफेसर अग्रवाल के पास वापस चलते हैं प्रोफेसर अग्रवाल आपने जो प्रोडिक्शंस दिए हैं आपकी टीम ने मिलकर जो प्रोडिक्शंस दिए हैं वो पूरे देश में एक साथ बताया है लेकिन अगर आप अभी देखें देश की हालत केरला में केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं हमने साउथ के और स्टेट्स में देखा है महाराष्ट्र में केसेस भी अभी बढ़ रहे हैं अगर दिल्ली की बात करें यहाँ पर करीब चार वेव्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो ये अलग अलग स्टेट्स का और पूरे भारतवर्ष को कैसे देखेंगे आप ये अगर आप पुराना एक्सपीरियंस देखें पहली और दूसरी वेव का तो जिस समय भारत में दोनों वेव पीक करें उसी के आसपास ही लगभग लगभग सारे प्रदेशों में भी पीक करी हाँ हा, कुछ प्रदेश ऐसे थे जो पहले पीक किए या कई महीने भर बाद पीक किए लेकिन अधिकतम आप देखेंगे विशेष रूप से ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान इन सब का पीक लगभग उसी समय था जिस समय भारत का था तो अगर इस एक्सपीरियंस को हम आगे लेके जाएं भविष्य में तो शायद ऐसा ही फिर भी हो तीसरी वेव में भी और लेकिन ये बात एक महत्वपूर्ण आपने करी कि आ, कुछ प्रदेश ऐसे रहेंगे जहाँ पे पीक अलग समय पे आएगा तो उनको अलग से ट्रैक करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि एक जगह पीक आ गया इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे प्रदेश में भी अब सब ठीक हो गया जी ये yeah, एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने पहले भी एक शो करा था जिसमें हमने ऐसी एक प्रोडिक्शन की बात करी थी प्रोफेसर बाबू ने वो करा था उनका भी एग्जैक्टली exactly यही टाइम था प्रोडिक्शन का कि इसी समय वेव आएगी तो दिवाली के समय अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश में और मैम आप हमें बताइए इसके बारे में क्या प्रिकॉशंस फिर लोगों को लेने चाहिए समय वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है ये ध्यान रखना कि जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ज्यादा हम वेव को रोक सकते हैं बिल्कुल सही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कहा वेव जब आती है तो तीन चीजें होती है एक है कि इम्यूनिटी नहीं है मतलब पहला इन्फेक्शन नहीं है एंटीबॉडीज नहीं है दूसरा है कि हम केयर नहीं ले रहे मास्क नहीं पहन रहे डिस्टेंस नहीं रख रहे हाथ की सफाई नहीं रख रहे और तीसरा है कि भाई वायरस को म्यूटेट कर दिया अब वायरस ने म्यूटेट तो करना ही है उसके ऊपर हमारे पास कोई डायरेक्ट कोई औपचारिक तरीके से हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो हम अपने आप की केयर ले सकते हैं जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं उसपे ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है इसलिए कुछ लोग अभी भी है जिनके मन में कुछ दुविधाएं हैं कुछ शक है कि वैक्सीन क्यों ले हम अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है अभी तक तो उन्हें मैं बिल्कुल ही अनुरोध करूंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन ले ले क्योंकि अगर हम वैक्सीन आप कह रहे हैं जैसे कि स्लो जा रही है तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के साथ साथ लोगों की मन में जो शंका है उसको हमें दूर करना पड़ेगा और मैं सबको यही बताऊंगी अब जैसे जिन्होंने डॉक्टरों ने ली जहा पे फौजी लोगों ने सबने फ्रंट लाइन वर्कर्स ने हमारा 98 एट परसेंट नाइन परसेंट सबके वैक्सीन हो चुके थे तो हमने देखा कि सेकेंड वेव में हमारे पास ज्यादा केसेस हुए ही नहीं और हॉस्पिटल में आना पड़ा ऐसे तो बहुत ही कम और डेथ्स तो गिने चुने लोगों की हुई वैक्सी है तो ये वैक्सीन जरूर प्रोटेक्ट करती है और यूके में के डाटा से भी हमें दिखा कि भाई इतने लोगों अच्छे हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल जी। उसे वैक्सीन हमें ले और वैक्सीन लेने के बावजूद हम भीड़ भाड़ ना करें जैसे मार्केट में जाना है लोगों के साथ दूरी रखनी है पहले बाद पहली वेव के हम ने क्या किया लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है बड़ी बड़ी शादियां करने लगे मार्केट में भीड़ करने लगे तो इससे हम दूर रहे क्योंकि और बाकी जो जिंदगी है चलती रहे क्योंकि हमें सबको काम करना है पैसे भी कमाने हैं तो ये चलता रहे पूरा ये लॉकडाउन ना करना पड़े और बाकी प्रिकॉशन अगर हम लेते रहे तो ये वेव तो ये को हम जरूर कर सकते। कंट्रोल प्रोफेसर अग्रवाल आखिरी एक मिनट बचाए मैं आपसे जानना चाहती हूं। हम जब ये शो कर रहे थे तो हमने बहुत इंटरनल डिस्कशन भी करा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस इंफॉर्मेशन का पब्लिक में हम ऐसे देश में बात कर रहे हैं जहां आप लोगों को कह दें कि अब तीसरी वेव नहीं आने वाली है या फिर बहुत इंटेंसिटी से नहीं आएगी तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है जो इम्पेक्ट कर सकता है इन नंबर्स को तो आपने क्योंकि ये स्टडी करी है ये समझी है और बहुत बैंकेबल स्टडी है हम इसे दिखा भी रहे हैं लोगों को क्या कहेंगे इसके बारे में आखिरी कुछ शब्द बस मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा जैसे जनरल कनेटकर ने कहा कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कम और कुछ न करें तो कम से कम जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो मास्क पहने अवश्य अगर इतना ही हम लोग कर लेंगे तो भी तीसरी वेव का प्रभाव हमारे ऊपर कम न के बराबर होगा लेकिन यदि हम इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तीसरी वेव का प्रभाव अधिक हो सकता है हम तीसरी वेव की बात करें और अभी भी सोल्यूशन वही है देखिए अगर आप ना मास्क पहनिए वैक्सीन लगवाइए सोशल डिस्टेंसिंग करिए तीन चीजें करिए और हम इसे अवॉइड कर सकते हैं लेकिन यही करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी आके ये पिक्चर्स दिखाए अभी रिसेंटली और लोगों से कहा कि जो हिल स्टेशन लोग जा रहे हैं और क्राउड कर रहे हैं उस पर भी लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है आज के लिए इतना ही क्या आप जानते हैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो आता है शनिवार और रविवार इसे ज़रूर देखें और हमें फीडबैक भेजें आपके सारे सुझाव हम जरूर पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही